हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगले यूनिट को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के बाद अब हम बात करेंगे हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स के बारे में। तो अबाउट हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, हेलो अरीन्स। तो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स इज द न्यू यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज फर्स्ट वन ऑफ द क्लास 12th और ये 12th क्लास का पहला यूनिट है। तो बात करते हैं हेलोजन्स डेरिवेटिव्स के बारे में। अल्टीमेटली ये हेलोजन डेरिवेटिव्स है। तो कंपाउंड्स डेराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स डेराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड डेराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड डेराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम हेलोजन्स कॉल्ड हेलो अल्केन्स और हेलो इन्स। अगर वो हमने डबल बॉन्ड वाले से डराइव किया होगा तो हेलोइन्स भी कह सकते हैं ना, और ट्रिपल बॉन्ड वाले से डराइव किया होगा तो अल्काइनल्स और आइन्स भी कह सकते हैं। तो कंपाउंड्स डराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हेलोजन्स इज कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव। तो सिंपली हम ऐसा तो कह ही सकते हैं, इज कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो इनको हम कहते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स, कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम हेलोजन्स कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो इनको हम कहते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब हेलोजन डेरिवेटिव्स के आने के बाद हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अबाउट द क्लासिफिकेशन और वन बाय वन बात करेंगे सभी के बारे में। क्लासिफिकेशन पहले बात करते हैं, क्लासिफिकेशन में नंबर वन पर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। पहला मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स नाम से ही क्लियर है, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय वन हेलोजन, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय वन हेलोजन। जैसे मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और एक क्लोरीन जोड़ दिया, तो इट इज कॉल्ड मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम अल्केन बाय वन ऑफ द हैलाइड इज कॉल्ड मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। तो इसको हम कहेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एक एच निकाला और एक हैलाइड इसमें हमने जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा CnH2n+1X इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। तो व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस फ्रॉम अल्केन्स बाय वन हेलोजन ग्रुप इट इज कॉल्ड मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। तो इसको हम कहेंगे
मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं अबाउट डाइहैलोजन डेरिवेटिव। तो अबाउट डाइहैलोजन डेरिवेटिव सेकंड वन, डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स, डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स, टू हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय टू हैलोजन्स। टू हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय टू हैलोजन्स। टू हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय टू हैलोजन्स। तो ये हो गया डाइहैलोजन डेरिवेटिव। जनरल फॉर्मूले से देखते हैं तो CnH2n+2, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और दो हैलोजन को इसमें जोड़ दिया तो हो जाएगा CnH2n X2। CnH2n X2 इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द डाइहैलोजन डेरिवेटिव। तो इट इज अबाउट डाइहैलोजन डेरिवेटिव जिसमें दो हाइड्रोजन को हमने दो हैलोजन से रिप्लेस किया है उसको कहते हैं डाइहैलोजन डेरिवेटिव। अब डाइहैलोजन डेरिवेटिव का क्लास भी है, इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये थ्री पार्ट में क्लासिफाइड है। नंबर वन जेम डाइहैलाइड। नंबर टू विसिनल हैलाइड। एंड नंबर थ्री टर्मिनल हैलाइड्स। तो देर आर थ्री क्लास ऑफ डाइहैलाइड्स। ठीक है, डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज जेम डाइहैलाइड, विसिनल हैलाइड एंड टर्मिनल हैलाइड। तो देर इज थ्री क्लास ऑफ जेम डाइहैलाइड, विसिनल हैलाइड एंड टर्मिनल हैलाइड्स। टर्मिनल इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा डब्ल्यू हैलाइड। टर्मिनल्स को अल्फा डब्ल्यू हैलाइड भी कहते हैं। तो पहले अब वन बाय वन पहले इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। जेम डाइहैलाइड। ओके, तो व्हाट इज द जेम डाइहैलाइड? व्हेन both the halogens are at the same carbon atom, दोनों हैलोजन जब एक ही कार्बन एटम पर रहते हैं तब इसको हम कहते हैं जेम डाइहैलाइड। both the halogen are at the same carbon atom। examples like dichloromethane, 1,1-dichloromethane, 1,1-dichloroethane, 2,2-dichloropropane। तो both the halogens are at the same carbon। जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट रहते हैं तब उसको हम कहते हैं जेम डाइहैलाइड। तो इट इज अ क्लास ऑफ जेम डाइहैलाइड। अब दूसरे वाले हिस्से पर बात करते हैं। सेकेंड पार्ट जेम डाइहैलाइड क्लियर। बोथ द हैलोजन आर एट द सेम कार्बन एटम, जिसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर रहते हैं उसको कहते हैं जेम डाइहैलाइड। ओके, सेकेंड वन विसिनल हैलाइड। Halogens, both the halogens are at the adjacent carbon atom, मतलब पड़ोस पड़ोस वाले के पास रहते हैं जब। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड विसिनल हैलाइड, लाइक 1,2-dichloroethane, 1,2-dichloropropane,
23 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो इट इज अ क्लास ऑफ विसिनल हैलाइड। ये है विसिनल हैलाइड। पैरेलल कार्बन एटम्स पर जब हैलोजन होगा तो उसको हम कहेंगे विसिनल हैलाइड। ओके, विसिनल हैलाइड। तो दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ डायहैलाइड। पहला हो गया जैम डायहैलाइड, दूसरा हो गया विसिनल हैलाइड। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं। थर्ड वन इज द टर्मिनल हैलाइड्स। टर्मिनल हैलाइड ऑल्सो कॉल्ड अल्फा डब्ल्यू हैलाइड। इसको अल्फा डब्ल्यू हैलाइड भी कहते हैं। तो टर्मिनल हैलाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल हैलाइड्स? हैलोजन एटम्स आर अटैच टू टर्मिनल कार्बन। हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू टर्मिनल कार्बन। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जो पहले दोनों को फॉलो अप नहीं करेंगे वो सब जो है अल्फा डब्ल्यू या टर्मिनल की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा CH2Cl 1,3-dichloropropane 1,4-dichlorobutane। तो इट इज अ क्लास ऑफ टर्मिनल और अल्फा डब्ल्यू हैलाइड। इसको हम कहते हैं टर्मिनल और अल्फा डब्ल्यू हैलाइड। तो जिसमें हैलोजन एटम्स एंड ऑफ द कार्बन चेन पर रहेंगे दोनों साइड से, वो है टर्मिनल हैलाइड। ओके, लेकिन मैंने एक बात आपको बताया, वो ध्यान रखेंगे कि जो जैम डायहैलाइड और विसिनल हैलाइड को फॉलो नहीं करेंगे, इट इज ऑल आर इंक्लूडेड इन टर्मिनल हैलाइड। अब बात करते हैं ट्राइहैलाइड के बारे में। अभी हम लोग हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हेलो अल्केन्स, पहला बताया मैंने आपको मोनोहैलाइड हैविंग वन हैलोजन ग्रुप इज द मोनोहैलाइड। फिर इसके बाद हमने बात किया अबाउट डायहैलाइड्स जिसमें दो हैलोजन ग्रुप हैं। तो ट्राइहैलाइड्स, थ्री हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड फ्रॉम थ्री हैलोजन्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। तीन हाइड्रोजन हटाना है और तीन हैलोजन जोड़ देना है। ठीक है, तो CHX3 लाइक CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHCHI3 आयोडोफॉर्म, ओके, और CHF3। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड हैं वो कैसे हैं? ट्राई हैलाइड्स हैं ये। दिस इज ट्राई हैलाइड इन विच थ्री हैलोजन ग्रुप्स आर प्रेजेंट, जिसमें तीन हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज अ क्लास ऑफ ट्राइहैलाइड। तो उसको हम कहते हैं ट्राइहैलाइड। देन वी आर टॉकिंग अबाउट टेट्राहैलाइड्स। तो अब बात करते हैं टेट्राहैलाइड्स के बारे में। फोर हैलोजन एटम्स लाइक CH4 से चार हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और चार हैलोजन एटम्स को जोड़ देंगे, तो ये बन गया CX4 लाइक CCl4 CF4। ओके, तो CCl4 CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड ये मेंबर्स जो हैं इनको हम कहते हैं टेट्रा हैलाइड्स। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, दैट इज क्लासिफाइड इन टू मोनोहैलाइड, डायहैलाइड, ट्राइहैलाइड एंड फाइनली टेट्रा हैलाइड। अब बात करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन पर, अल्किनिल्स।
अल्किनल्स, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्किन्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्किन्स आर कॉल्ड अल्किनल्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्किन्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्किन्स, जैसे हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथाइलीन, ये कंपाउंड है इथाइलीन और इथीन, इसमें से एक H रिप्लेस किया, एक हैलाइड जोड़ दिया, चलिए क्लोरीन ले लेते हैं, तो CH2CHCl, विनाइल क्लोराइड कैसा है, अल्किनल हैलाइड है, विनाइल क्लोराइड इज द अल्किनल हैलाइड, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इफ देयर इज वन हैलोजन एट दैट पैटर्न CH3CH CH2Cl, दिस इज कॉल्ड एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, तो विनाइलिक और एलाइलिक हैलाइड भी कहते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड विनाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, तो विनाइल एलाइल और अपोजिट रहता है तो प्रोपिनिल बोलते हैं, अगर CH से जुड़ा होता तो प्रोपिनिल क्लोराइड बोलते, जो कि हम लोगों ने कहां पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल्स में पढ़ा था, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विनाइलिक एंड एलाइलिक, ओके, तो दिस इज अल्किनल्स, जब डबल बॉन्ड के साथ हैलोजन आएगी तो अल्किनल बोलेंगे, अब इसके बाद अल्काइनल, अल्काइनल्स, तो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइन्स, अल्काइन्स के जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनको हम कहते हैं अल्काइनल्स, अल्काइनल्स, ओके, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन्स, लाइक देखो जैसे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटालीन, एक H रिप्लेस किया, एक Cl जोड़ दिया, तो ये जो हैलाइड बनेंगे, यहां पर जो हैलाइड फॉर्म होंगे, इट इज कॉल्ड अल्काइनल हैलाइड, नॉर्मली इट इज कॉल्ड अल्काइनल हैलाइड्स, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइन्स आर नोन एज अल्काइनल हैलाइड, तो इट इज अबाउट अल्काइनल्स, ओके, अल्काइनल्स के बाद अब हम बात करते हैं अराइल्स के बारे में, अराइल, ए आर वाई एल एस, अराइल्स आर अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस फ्रॉम बेंजीन, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस फ्रॉम बेंजीन, ठीक है, replaced from benzene by halogen, तो is called aryl halide, it is called aryl halide, जैसे benzene है, इसका एक hydrogen आप replace करो, एक halide इसके साथ जोड़ दो, तो chlorobenzene or phenyl chloride, chlorobenzene or phenyl chloride is the aryl halide, it is type of aryl halide, aryl halide, aromatic halide, phenyl chloride, ये इसको लिखने के अलग अलग method है, तो this is known as aryl halide, तो it is clear what is the meaning of aryl, तो when aromatic rings, replacement of hydrogen from aromatic ring by halogens, it give aryl halide, तो इसको हम कहेंगे aryl halide, then aryl के बाद benzyl हैलाइड, aryl और benzylic दोनों में अंतर रहता है, ये ध्यान रखेंगे, benzyl हैलाइड, तो what is the benzyl group when halogen with CH2Cl, like CH2Cl, this is called benzyl chloride, तो ये है benzylic हैलाइड या benzyl हैलाइड, तो benzyl के साथ जब हैलोजन होगा तो इसको कहेंगे benzylic हैलाइड, ओके, तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स, ये हमने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स के बारे में, अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड, ओके, इसके बाद मैंने आपको हैलाइड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताया था, अगर आपको याद हो कि हैलाइड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फंक्शनल ग्रुप, हैलाइड को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं, अगर
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ हैलाइड रहता है, तो पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग काउंटिंग ड्यूरिंग नॉमिनेचर इज गिवन टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देन हैलाइड। और जब दो डिफरेंट हैलाइड्स एक साथ रहेंगे और काउंटिंग नंबर सेम होगा तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी देंगे, और अगर काउंटिंग नंबर सेम नहीं है तो प्रायोरिटी इज अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल। तो दिस इज अबाउट द नेमिंग ऑफ हैलाइड। ये हैलाइड्स को नाम करने का तरीका है, ये हैलाइड के नाम करने का तरीका है जो मैंने आपको पहले बता दिया है, सब है ना। तो हैलाइड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फंक्शनल ग्रुप। अगर दो अलग अलग हैलाइड हैं तब हम क्या करेंगे, काउंटिंग नंबर लेंगे। अगर काउंटिंग नंबर सेम आएगा तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे। और अगर काउंटिंग नंबर सेम नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी इज अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल, तब हम लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड मतलब हम लोग पहले मोनो हैलाइड के बारे में बात करेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स। तो पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्केन्स। क्या अल्केन्स को हम हैलाइड में चेंज कर सकते हैं, अल्केन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हैलाइड, यस इट इज पॉसिबल। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का क्लोरीनेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मोनोक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो और फाइनली वो टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव्स तक शिफ्ट हो जाएगा। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से हम आसानी से हैलाइड बना सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द कॉमन मेथड, है ना। तो पहला फ्रॉम अल्केन्स, तो नंबर वन, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन, अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन इज ट्रीटेड विथ डिफ्यूज्ड अल्ट्रावायलेट लाइट, डिफ्यूज्ड अल्ट्रावायलेट लाइट। जब मीथेन और क्लोरीन के मिक्सचर को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में रखते हैं, तो मीथेन प्लस क्लोरीन, दो बार इसके मैकेनिज्म पर हम लोग बात कर चुके हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट करता है यहां पर, है ना। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। एक HCl निकालेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का प्रेजेंस और बन जाएगा पहले कंपाउंड क्लोरोमीथेन। वापस से एक बार क्लोरीन डालेंगे, फिर HCl निकल जाएगा, दिस टाइम इट इज डाइक्लोरोमीथेन। फिर क्लोरीन डालेंगे, फिर एक HCl निकल जाएगा CHCl3। फिर एक बार क्लोरीन एड अप करेंगे, फिर एक HCl निकल जाएगा एंड फाइनली इट गिव्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो मीथेन और क्लोरीन के मिक्सचर को डिफ्यूज्ड अल्ट्रावायलेट लाइट थोड़ी देर देंगे, फिर रुकेंगे, फिर देंगे ऐसा, तब वो रिस्पेक्टिवली वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय वन क्लोराइड फ्री रेडिकल एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन टेट्राक्लोराइड, और फाइनली वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीथेन से आसानी से जा सकते हैं क्लोरीनेशन करके हैलाइड पर, और मोनो डाई ट्राई टेट्रा सभी टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। अगर ब्रोमीन के साथ जाना है तो मीथेन प्लस ब्रोमीन, मीथेन प्लस ब्रोमीन, ठीक है, मीथेन प्लस ब्रोमीन, डायरेक्ट सनलाइट, और ये बनाएगा आपके लिए मिथाइल ब्रोमाइड प्लस HBr। अगर यही रिएक्शन हम आयोडीन के साथ कर दें, CH4 प्लस I2 आयोडीन के साथ करेंगे, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आप HiO3 यूज नहीं करोगे, if iodic acid is not there as a catalyst, then it is a reversible reaction, for some time it gives CH3i plus Hi, okay, but
एच आई इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एच आई इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एच आई कैसा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एच आई इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फर्दर कन्वर्टेड सी एच थ्री आई इंटू मीथेन, सी एच थ्री आई को फिर से मीथेन में कन्वर्ट कर देगा। सो सी एच थ्री आई को फिर से मीथेन में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि एच आई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एच आई इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। टू चेक द रिवर्सिबिलिटी, टू चेक द रिवर्सिबिलिटी, टू चेक द रिवर्सिबिलिटी एच आई ओ थ्री इज यूज एज अ कैटलिस्ट। एच आई ओ थ्री इज यूज एज अ कैटलिस्ट। क्या काम करता है वो? सिस्टम से एच आई को बाहर निकाल देगा इन फॉर्म ऑफ आयोडीन, आयोडीन के फॉर्म में बाहर रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ऐसा काम करता है एच आई ओ थ्री। एच आई ओ थ्री सिस्टम से आयोडीन को बाहर निकाल देगा। ओके, तो एच आई को हटा देगा आयोडीन में, एच आई को कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में, उसकी रिएक्टिविटी को खत्म कर देगा। तो वापस से ये रिएक्शन फिर टर्न आउट नहीं हो पाएगी, मतलब मिथाइल आयोडाइड मीथेन में नहीं आ पाएगा अगर एच आई ओ थ्री हम यूज करते हैं तो। अदरवाइज मिथाइल आयोडाइड का मीथेन में आना कंफर्म है अगर एच आई ओ थ्री यूज नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो दिस इज द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ये अल्केन्स की हेलोजिनेशन रिएक्शन पर बात किया हम लोगों ने। अब बात करते हैं इसके बाद फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स। तो अल्कीन्स को हम कैसे हैलाइड पे लेके जा सकते हैं? फ्रॉम अल्कीन्स तो सिंपली एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड एंड इट्स रिएक्टिविटीज एच आई देन एच बी आर, एच आई देन एच बी आर देन एच सी एल एंड देन एच एफ। तो एच एफ का कोई काम नहीं है। एच आई एच बी आर एंड एच सी एल इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड। और उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है, है ना? क्या क्या ध्यान रखना है? एच बी आर फॉलो, एच बी आर फॉलो मार्कोनिक ऑफ एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। एच बी आर फॉलो मार्कोनिक ऑफ एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, मतलब दोनों रूल को केवल एच बी आर ही ओबे करता है। अगर परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ, नॉर्मल कंडीशन है तो मार्कोनिक ऑफ। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है? एच आई एच सी एल एंड एच एफ डू नॉट फॉर्म फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ हाई लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच आई इमीडिएट डिसोसिएट हो जाएगा एंड हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एफ एंड एच सी एल। तो एच एफ और एच सी एल का बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होता है, एच आई का बॉन्ड एनर्जी बहुत लो होता है, इसलिए ये कॉमनली फ्री रेडिकल फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब अगर फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं करेंगे इट मींस एडिशन ऑफ द कंपाउंड्स, एडिशन ऑफ एच आई एच बी आर एच सी एल एंड एच एफ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही इनका एडिशन होगा, इस पे परऑक्साइड इफेक्ट वैलिड नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में परऑक्साइड इफेक्ट देते हैं, अगर आपको
आरोप के साथ या क्वेश्चन के साथ ऐसा लिखते हैं कि परोक्साइड प्रेजेंट है यहाँ पे, तब भी ये परोक्साइड इफेक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, देन इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड दीज केमिकल्स डू नॉट फॉलो द परोक्साइड इफेक्ट. इट मीन्स ऑल द रिएक्शन ऑफ द HI, HCl and HF is according to Markovnikov rule. इनके रिएक्शन Markovnikov rule के प्रेजेंस में ही होंगे, Markovnikov rule के अकॉर्डिंग ही होंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जिसको हमने फिर से एक बार और रिवाइज किया अबाउट द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड. और एक बात और ध्यान रखेंगे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, जहां पर 1-2 मिथाइल शिफ्ट 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट की बात आएगी, तो देयर इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन 1-2 मिथाइल शिफ्ट 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1-2 फिनाइल शिफ्ट इज पॉसिबल, है ना. एक एक बार मैं सभी रिएक्शन को रिपीट कर देता हूं. तो देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और नॉर्मल कंडीशन. तो नॉर्मल कंडीशन में क्या ध्यान रखना है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ये ध्यान रखना है. दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन जो नेगेटिव पार्ट है इट इज शिफ्टेड एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम हाइड्रोजन, या ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं जो रिच है वो और रिच हो जाएगा, रिच बिकम्स रिचर. ठीक, तो H किसके पास चला जाएगा, इसके पास. तो ये Markovnikov rule है, रिच बिकम्स रिचर. ओके, तो नाउ इट इज CH3CHBr CH3 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. ये प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज 2-bromo propane इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. ओके, और अगर मान लीजिए इसमें ये कंडीशन मेंशन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr एंड हियर परोक्साइड इज गिवन, परोक्साइड दिया हुआ है, तब आपको ध्यान रखना है नाउ द एंटी Markovnikov rule इज वैलिड और फ्री रेडिकल के कारण होगी ये रिएक्शन, और फ्री रेडिकल पहले अटैक करके मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करता है, इसलिए ये कहां से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, उसको हमने रूल में टर्न आउट कर दिया है. ठीक है ना, तो बी आर कहां जाएगा, नाउ एच इज हियर एंड बी आर इज हियर, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH3CH2CH2Br ब्रोमो प्रोपेन. तो ब्रोमो प्रोपेन इज द प्रोडक्ट, तो ब्रोमो प्रोपेन बनेगा जब परोक्साइड यूज कर रहे हैं, और जब परोक्साइड यूज नहीं करोगे तो रिएक्शन अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule जाएगी, 2-bromo propane इस रिएक्शन का सही प्रोडक्ट होगा. तो 2-bromo propane इज द नॉर्मल प्रोडक्ट, और अगर परोक्साइड मेंशन है तो रिएक्शन ऑपोजिट ऑफ Markovnikov rule होगी, एंड नाउ इट गिव्स 1-bromo propane, तब आपको रिएक्शन में क्या मिल जाएगा, 1-bromo propane मिल जाएगा, दैट टाइम प्रोडक्ट इज 1-bromo propane. अगले रिएक्शन पर बात करते हैं. अगर मान लीजिए देयर इज अ कंडीशन, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहां पर अगर HBr ऐड किया तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, टू लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, दैट इज शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज कॉल्ड 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. यहां पे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट का फिनोमेना लगेगा. पहले तो ये ऐसा, इधर का पॉजिटिव आई इफेक्ट ज्यादा है तो उधर को पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट टाइम इट इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा. नाउ द न्यू इंटरमीडिएट इज देयर CH3CH3CH CH पॉजिटिव एंड CH3, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन. ये कैसा है, सेकेंडरी है, बट अगर कंडीशनली हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए, अगर कंडीशनली हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए तो टर्शरी कार्बोकेटायन बन सकता है. सो टू लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन देयर इज हाइड्रोजन शिफ्ट इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव टुवर्ड्स CH3 ग्रुप. तो नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज CH3CH3 देयर इज टर्शरी कार्बोकेटायन CH2CH3 एंड नाउ द ब्रोमीन इज अटैक ऑन दैट कार्बोकेटायन दैट टर्शरी कार्बोकेटायन एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH2Br. ओके, तो नाउ इट इज
टू मिथाइल टू ब्रोमो ब्यूटेन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज टू मिथाइल टू ब्रोमो ब्यूटेन। टू मिथाइल टू ब्रोमो ब्यूटेन इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट होगा। तो हाइड्राइड मिथाइल एंड फिनाइल ग्रुप्स आर शिफ्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पोजिशन इन द केस ऑफ 1-2 addition। 1-2 addition के केस में यहां पर आपको शिफ्टिंग देखने को मिलेगी टू लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। और जब ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन करते हैं तब ये ध्यान रखना है कि वहां पर ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन के समय कार्बो अगर टर्शरी बन भी रहा होगा, चांस दिखेगा आपको, रिएक्टेंट तो दिखेगा ही, लेकिन वहां पर मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट का फिनोमिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटल एटम इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन दे करके साइक्लिक कैटायन फॉर्म, साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करके रखता है। तो साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करेगा तो वहां पे जो रिएक्शन होगा इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिक ऑफ रूल, वहां पर जो एडिशन होगा वो मॉर्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, अगले स्टेप पर बात करते हैं, एडिशन ऑफ, दिस इज अबाउट एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अब मान लीजिए अगर आपको आइंस पर ऐड करना है तो आइंस प्लस HBr हैलोजन एसिड, और पहले स्टेप में दैट इज सिमेट्रिक है तो नो नीड ऑफ एनी प्रॉब्लम, CH2 डबल बॉन्ड CHBr बन जाएगा, नो एनी प्रॉब्लम इज देयर। बट इन द सेकेंड स्टेप द नेगेटिव पार्ट इज शिफ्टेड एट दैट कार्बन having minimum number of hydrogen atom. So now the product is CH3CHBr2. क्या product बनेगा? CH3CHBr2 1,1-dibromobutane, 1,1-dibromobutane, and this is a gem dihalide. यहां से gem dihalide का formation हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा किया HBr and here is peroxide. अगर यहां पे peroxide यूज किया है then what happens in first step? There is no need of any rule. तो CH2 double bond CHBr, and now in the second step when HBr is there, तो positive negative, अभी क्या होगा? Negative is shifted at peroxide है तो negative किधर जाएगा? जिधर hydrogen ज्यादा है। तो product क्या बन जाएगा? CH2Br 1,2-dibromoethane 1,2-dibromoethane is the product of the reaction. Okay, clear? तो अगर peroxide नहीं है तो product बनेगा 1,1-dibromoethane, और अगर peroxide है तो उस condition में product बन जाएगा, the product of the reaction is 1,2-dibromoethane. तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब भी आपको अपने कन्वर्जेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, कन्वर्जन करने होंगे, स्ट्रॉन्ग करना होगा उसको, तो सभी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि किसको कहां से कैसे कैरी ऑन किया है। ठीक है, अगले रिएक्शंस पर बात करते हैं, इट इज हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो हैलाइड से भी हैलाइड बन जाता है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन के दो एग्जांपल हैं, नंबर वन स्वार्ट रिएक्शन और नंबर टू फिनकालस्टीन्स रिएक्शन। फिनकालस्टीन्स रिएक्शन, तो देयर इज टू एग्जांपल ऑफ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन के कुल दो एग्जांपल्स पढ़ना है हमको, स्वार्ट और फिनकालस्टीन, स्वर्ट एंड फिनकालस्टीन। तो दो रिएक्शन हैलाइड एक्सचेंज के एग्जांपल हैं, और स्वर्ट रिएक्शन जो है स्पेशली वो अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज होती है, तो ये ध्यान रखना है, यूज टू मेक अल्काइल फ्लोराइड। स्वर्ट रिएक्शन का यूज क्या है? यूज टू मेक अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल यूज टू मेक अल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने के लिए यूज होती है। एंड व्हाट इज द केमिकल हियर?
देखो CH3Cl plus AgF, तो एक केमिकल तो सिल्वर फ्लोराइड यूज कर सकते हैं. वन केमिकल इज देयर सिल्वर फ्लोराइड, तो इट गिव्स CH3F plus AgCl. कभी अब जैसे कभी एग्जाम में आया राइट द स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो सिंपली लिख दीजिए. लेकिन अब अगर क्वेश्चन में आया कि विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्वार्ट रिएक्शन, अब अगर रिएक्टेंट चेंज कर दिए हैं तो भी आपको पहचानते आना चाहिए. तो CH3Cl plus Hg2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड इज ऑल्सो टेकन एज अ एट द प्लेस ऑफ सिल्वर फ्लोराइड. तो हियर द प्रोडक्ट इज CH3F सिल्वर फ्लोराइड एंड HG2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड इज द बाय प्रोडक्ट. ओके, एंड थर्ड रिएक्टेंट विच इज टेकन इन दिस प्रोसेस इज CH3Cl प्लस SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड. तो दीज थ्री रिएक्टेंट्स आर टेकन इन स्वार्ट. ओके, कौन कौन सा? AgF, HG2F2 एंड SbF3. SbF3, ओके. तो थ्री CH3F एंड द बाय प्रोडक्ट इज SbCl3. SbCl3, तो ऑल द रिएक्शंस आर द एग्जाम्पल ऑफ स्वार्ट रिएक्शन. ये सभी एग्जाम्पल जो है वो स्वार्ट रिएक्शन के हैं. इट इज यूज टू मेक अल्काइल फ्लोराइड. अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज होता है स्वार्ट रिएक्शन. अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर. स्वार्ट के बाद अगला फिनकलस्टीन. तो फिनकलस्टीन्स बेसिकली हायर हैलाइड के थ्रू लोअर हैलाइड का एक्सचेंज है, फिनकलस्टीन इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. ठीक है, तो देखिए फिनकलस्टीन्स रिएक्शन के बारे में अब बात करते हैं. तो व्हाट हैपेंस इन फिनकलस्टीन? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल क्लोराइड. प्रिपरेशन फिनकलस्टीन की बात कर रहे हैं, फिनकलस्टीन्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स. प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स, अल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज होती है. प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड. ओके, एंड द मोड ऑफ रिएक्शन इज लाइक दिस. अल्काइल क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, हियर एसीटोन और मिथेनॉल इज एज अ सॉल्वेंट, और ये यहां से NaCl एलिमिनेट कर देगा. तो देर इज एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड इनटू एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड इनटू आयोडाइड. ब्रोमाइड NaI इज हियर. अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर NaCl और NaBr कभी लेते हैं, यहां पे C2H5Cl और NaBr, तो Br वाला कंपाउंड बन जाएगा. लेकिन अगर Br और NaCl लेंगे तो वो एक्सचेंज नहीं करेगा. कभी कभी ऐसे टिपिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो वो ध्यान रखना है. नाउ C2H5I एंड NaBr इज देयर, तो एक्सचेंज ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन बाय सोडियम सॉल्ट ऑफ आयोडाइड, बाय सोडियम सॉल्ट ऑफ आयोडाइड इज द फिनकलस्टीन्स रिएक्शन. तो यह है फिनकलस्टीन्स रिएक्शन. इट इज फिनकलस्टीन्स रिएक्शन. ओके, तो फिनकलस्टीन और स्वार्ट, ये दोनों जो केमिकल रिएक्शन हैं, इट इज यूज टू कन्वर्ट, इट इज यूज टू मेक. स्वार्ट का यूज हमने फ्लोराइड बनाने के लिए किया, और फिनकलस्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड्स, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड्स. तो स्वार्ट रिएक्शन का यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड के लिए, प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड. ओके, अब एक और प्रोसेस पढ़ लेते हैं, राइडॉन्स प्रोसेस. राइडॉन्स प्रोसेस, राइडॉन्स प्रोसेस. तो राइडॉन्स प्रोसेस में देखो क्या करते हैं. राइडॉन्स प्रोसेस इज व्हाट?
अल्कोहल को ट्रीट करते हैं. अल्कोहल अल्कोहल इज हीटेड विथ अल्कोहल इज हीटेड विथ अल्कोहल इज हीटेड विथ ब्रोमीन एंड अल्कोहल इज हीटेड विथ ब्रोमीन एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फिनो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ट्राई फिनाइल ट्राई फिनाइल फॉस्फेट ट्राई फिनाइल फॉस्फिनो ऑक्साइड इज देयर ट्राई फिनाइल. अच्छा ठीक है, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट ट्राई फिनाइल फॉस्फेट थोड़ा सा टिपिकल है बट याद कर लेंगे. ठीक है, तो अल्कोहल इज हीटेड विथ ब्रोमीन एंड ट्राई फिनाइल फॉस्फेट. तो अल्कोहल हो गया, चलिए हमने ऐसा किया C2H5OH ले लिया. अल्कोहल प्लस ब्रोमीन प्लस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट C6H5O होल थ्राइस C6H5O होल थ्राइस. तो तीन फॉस्फेट का तीन ऑक्सीजन यहां लिंक है, ध्यान रखेंगे PO. ऐसा लिखा मैंने फॉस्फेट को, लिखने का तरीका बदल दिया है फॉस्फेट को, है ना. तो ट्राई फिनाइल फॉस्फेट PO4 होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड C2H5Br. फाइनली द कंपाउंड इज C2H5Br. तो ये आ गया C2H5Br. एक फिनोलिक ग्रुप जो है वो आ जाएगा C6H5OH. तो फिनॉल भी बनेगा राइडॉन्स प्रोसेस में. फिनॉल इज ऑल्सो यर अ प्रोडक्ट. और C6H5 एक ऑक्सीजन वाला C6H5O तक चला गया यहां से, है ना. अच्छा, C6H5 भी गया, वो तो बचा था क्योंकि OH तो यहां से आ गया. तो C6H5 और C6H5 के साथ O होल ट्वाइस POBr इज द अनदर कंपाउंड. होल ट्वाइस POBr इज द अनदर कंपाउंड. ठीक है, तो इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रेडॉन्स प्रोसेस. ये बाय प्रोडक्ट है C6H5O होल ट्वाइस POBr, होल ट्वाइस POBr. एंड ओके, तो C2H5Br प्लस C6H5OH, C2H5Br और C6H5OH और C6H5O होल ट्वाइस POBr इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेडॉन्स रिएक्शन. मेनली ये ध्यान रखना है कि हैलाइड बनाने के लिए यूज होता है रेडॉन्स प्रोसेस. कुल मिला के ये ध्यान रखना है, इट इज यूज टू मेक हैलाइड्स. और इसके कुछ नेक्स्ट प्रोसेस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, एंड देन अबाउट इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके कमांडोस, थैंक यू.